हेलो बच्चों, क्लास टेंथ एक्सरसाइज 6.4 का क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे सामने। क्या है क्वेश्चन देखिए बच्चों, कहा जा रहा है त्रिभुज एबीसी और बीडीई दो समबाहु त्रिभुज हैं। एक त्रिभुज बच्चों क्या है हमारा एबीसी, एबीसी है, दूसरा है बीडीई। बी कहीं पॉइंट डी है पता नहीं, डी कहा जा रहा है डी भुजा बी सी का मध्य बिंदु। ये बी सी है, इसका मध्य बिंदु पॉइंट क्या है हमारा डी है। अब मध्य बिंदु है बी सी का तो ये आधी आधी हो जाएगी, मध्य बिंदु है तो दूसरा त्रिभुज है बी डी ई। अब ई आप यहां ले सकते हो या नीचे ले सकते हो, कहीं पर भी पॉइंट ले सकते हो, यहां ले लो ऐसे लिख लो, ये हो गया ई। अब समबाहु त्रिभुज है तो ये तीनों आपस में बराबर होंगी और ये तीनों आपस में बराबर होंगी। समबाहु त्रिभुज है तो समरूप होना ही होना है क्योंकि सेम शेप है। अब कोई सेम शेप हो तो वो त्रिभुज समरूप होते ही हैं। तो हमें प्रूफ बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन के क्षेत्रफलों का जो अनुपात होगा वो क्या होगा। तो हम लोगों ने बच्चों पढ़ा है थ्योरम 6.6 में, अगर कोई समरूप त्रिभुज हैं तो उनके क्षेत्रफलों का जो अनुपात होता है संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। तो आओ बच्चों देखते हैं, यह हम लिखते हैं, हमें जो फाइंड करना है वो क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल बीडीई, ये निकालना है ठीक। और हमें दिया क्या है, दिया क्या गया है वो चीज जान लो, दो समरूप त्रिभुज हैं, कौन कौन से, ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल बी, कौन सा है बी डी ई, ये समरूप है। और कहा जाए डी भुजा बी सी का मध्य बिंदु है, डी भुजा बी सी का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है, क्या है मध्य बिंदु, नहीं समझ में आ रहा बच्चों, मध्य बिंदु है। और जब मध्य बिंदु है तो क्या हो जाएगा, बी सी इज इक्वल टू क्या होगा, बी सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी डी प्लस सी डी, बी डी प्लस सी डी। अब ये दोनों इक्वल हैं, ये डी है तो हम क्या लिख सकते हैं कि बी डी को, बी डी क्या, ये भी सी डी की जगह हम क्या लिख सकते हैं बी डी, क्योंकि दोनों इक्वल हैं तो बी डी क्या आ जाएगी, हाफ ऑफ बी सी आएगी ना, क्योंकि इसकी जगह चूंकि सी डी इज इक्वल टू क्या है बी डी है, तो जहां सी डी उसकी जगह बी डी करो, बी डी बी डी टू बी डी, तो बी डी बराबर हाफ बी सी हो जाएगा। अब दोनों ट्राइंगल जब सिमिलर हैं, कौन कौन से ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल, एक मिनट पहले सिमिलर वाली कंडीशन हम लोग लिख लेते हैं क्या हो जाएगा, जरा ध्यान से देखिए, क्योंकि त्रिभुज ए बी सी सिमिलर किसके हैं, त्रिभुज बी डी ई के, तो ये क्या हो जाएगा ए बी अपॉन बी डी, ए बी अपॉन बी डी बराबर बी सी अपॉन डी ई बराबर ए सी अपॉन बी ई। तो हमें बी सी चाहिए, तो अगर समबाहु त्रिभुज की सब भुजा क्या है हमारी, ये एक्स है तो ये भी एक्स होगी, ये भी एक्स होगी, तो ये क्या हो जाएगी आधी एक्स बाई टू हो जाएगी, क्योंकि हाफ है
ये भी x बाई टू होगी। ठीक, तो देखिए जरा, अब ये जब सिमिलर ट्राइंगल हैं तो इनके एरिया का जो रेशियो होता है बच्चों क्या होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल बी, ट्राइंगल बी डी ई, तो इनकी साइड्स का जो रेशियो, करेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो, ये हमारी, इसको इंक्लूड कर लो क्योंकि यही हमें कॉमन में मिल जाएगी, तो क्या हो जाएगा बी सी अपॉन डी, ये कहाँ गई, ये बी सी है पूरी, वही चीज तो है, यहाँ पर क्या लिखा बी डी और ये बी सी है तो यहाँ डी ई आ गई, तो ये हमारी सब x बाई टू है, ये भी x बाई टू है क्योंकि समबाहु त्रिभुज में सभी भुजाएं बराबर होती हैं, तो हम क्या लिख दिए यहाँ डी ई है, स्क्वायर लगा देंगे क्योंकि स्क्वायर के इक्वल होता है एरिया सबके स्क्वायर के, तीनों स्क्वायर, लेकिन जिसकी हमें ज़रूरत है उसको लिख लेंगे। अब बी सी हमारा क्या है, बी सी हमारा x है और ये क्या है हमारा x बाई टू डी, x बाई टू लिख लिया, अब टू पलट के ऊपर चला जाएगा तो x x कैंसिल क्या आ जाएगा, टू अपॉन वन इसका स्क्वायर है, तो टू का स्क्वायर क्या आ जाएगा फोर अपॉन वन का स्क्वायर वन, तो हमारा क्या आ गया एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई का जो रेशियो आया हुआ आ गया 4:1 का, यही चीज़ हमें प्रूव करना था बच्चों, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर सी सही होगा, फट से नोट कर लीजिए बच्चों, अगर हाँ वीडियो लाइक तो बनता है बच्चों, लाइक कर दीजिए, फिर करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 8, पॉज द वीडियो नोट इट डाउन। अब बच्चों अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, कहा जा रहा है दो समरूप त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात हमें दिया गया है, दोनों त्रिभुज जो समरूप हैं उनकी भुजाओं का अनुपात दिया, क्षेत्रफलों का अनुपात हमें बताना है, बहुत इजी है बच्चों, ऐसा हम लोग शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं कि जो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात होता है वो संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है, तो सबसे पहले जो दिया है वो लिख लेते हैं, दो समरूप त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात क्या दिया है 4:9 और हमें क्षेत्रफलों का अनुपात निकालना है, क्षेत्रफलों का अनुपात हमें फाइंड करना है, ये क्या करना है निकालना है, तो होता क्या है जरा ध्यान से देखिए, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात बराबर क्या होता है संगत भुजाओं के अनुपात का वर्ग के बराबर होता है, और संगत भुजाएं हमारी क्या दिया है 4:4 दिया गया है, तो 4/9 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 9 का 81, तो क्या आ गया 16:81 क्या आ जाएगा 16:81, यही चीज़ हमें बतानी थी, ये ऑप्शन डी सही हो जाएगा बच्चों, बहुत आसान था। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हुआ, अब बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 6.5 के इंट्रोडक्शन के साथ, पहले इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, पाइथागोरस थ्योरम उसमें है उसी से रिलेटेड,
कुछ सम्स हैं, फिर एक्सरसाइज करेंगे। तो बच्चों हाँ, अब तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे नई एक्सरसाइजों के क्वेश्चन आप लोगों तक पहुंच सके। क्योंकि जब सब्सक्राइब नहीं करोगे तो बेल आइकन, सब्सक्राइब करके बेल आइकन नहीं प्रेस करोगे तो क्या होगा, नोटिफिकेशंस नहीं प्राप्त होंगे आप लोगों को। इसलिए आप लोग क्या करो कि सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे नोटिफिकेशंस मिल सके। थैंक यू, प्लीज़ नोट इट डाउन।